हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ का ट्राइंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन सब सॉल्व कर दिए गए हैं। देखो क्या लिख रखा है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। यहाँ पर दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो इसमें ये बोल रहा है ए बी, ठीक है, ये किसके इक्वल है, पी क्यू के, और बी सी, ये पूरा का पूरा बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, ठीक है, और मीडियन दे रखा है ए एम, ये किसके इक्वल है, पी एन के, ठीक। तो ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिव इक्वल टू पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, शो दैट, हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। देखो ध्यान से, देखो क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी एम मतलब ये जो मैंने हाइड कर दिया, ये वाला हिस्सा जो दिखा रहा है ए बी एम, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है हमें, ट्राइंगल पी क्यू आर एन के, ठीक है, पी क्यू एन ये है। और दूसरा उसमें हमसे बोलता है कि ट्राइंगल ए बी सी, अब ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। चलो देखो क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिए और फिगर भी ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, हम सॉल्यूशन दे रहे हैं फर्स्ट बिट का। फर्स्ट बिट में हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ऐसे कलर कर देती हूँ, ये हो गया हमारा, जिसको मैं कलर कर रही हूँ उस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको हम ब्लू कलर से ही कलर कर देते हैं, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हो गए जिसको मैंने कलर किया है। अब क्या करेंगे, देखो इसने हमें क्या क्या दे रखा है, इसने हमें दे रखा ए बी मतलब ये वाली साइड पी क्यू के इक्वल दे रखी है, तो हम वही लिख देते हैं। पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, वही ट्राइंगल लिया है मैंने, यहाँ पर ए बी एम और पी क्यू एन दे रखा है, वही मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हमें दे रखा है, तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, और यहाँ पे लिख देंगे गिवन, दे रखा है क्योंकि हमें, ठीक है। सेकंड चीज उसने हमें दे रखी है ये वाली ए एम, ये जो मीडियन है ए एम इक्वल्स टू पी एन, तो ए एम इक्वल्स टू पी एन, ये भी क्या कर रखा है, गिवन है, मीडियन दे रखा है, ठीक है। अब आता है तीसरी साइड, तो कह रहा है बी एम, ठीक है। अब बी एम तो हमारे पास है नहीं, तो देखो लेकिन उसने हमें दे रखा है क्या, इसको मैं यहाँ बॉक्स में लिख देती हूँ जिससे तुम्हें समझने में आसानी हो जाएगी। देखो हमें बी सी इक्वल्स टू क्यू आर तो उसने दे रखा है, यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको हाफ कर दूँ, हाफ बी सी इज इक्वल टू हाफ क्यू आर हो जाएगा, क्यों ऐसा बोलेंगे, तो मीडियन है ना, ए एम मीडियन और पी एन मीडियन है, तो मीडियन का मतलब क्या है, नीचे वाली जो उसको उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हाफ बी सी किसके बराबर हो गया, देखिए इसको अगर आधा करें तो किसके बराबर हो गया, बी एम के, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ठीक है, हो गया ये। तो अब मैं तीसरा वाला जो पॉइंट लिख दूंगी बी एम इक्वल्स टू क्यू एन, और क्या लिखेंगे, प्रूव्ड एवब, क्योंकि ये ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पर मैंने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो हमें तीनों साइड मिल गई, ए बी इजिकल टू पी क्यू मिल गया, ए एम इजिकल टू पी एन मिल गया, और बी एम इजिकल टू क्यू एन, तो हमें तीनों चीज़ मिल गई। तो क्या हो गया, फिर हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाई एस 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 रूल, भाई तीनों साइड हो गई ना, तो इसलिए बाई एस 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 रूल, ठीक है। अब हम जाते हैं सेकंड वाले ट्राइंगल पे, तो सेकंड वाले ट्राइंगल के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे, सेकंड में उसने हमें दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब इसने क्या लिया, देखो अब इसने पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लिया, तो मैं पूरे को ही कलर कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। अब ये पूरा एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, और इसको भी मैं ऐसे ही कर देती हूँ, ये भी अब पूरा ट्राइंगल ले रहा है दूसरा वाला पी क्यू आर, ठीक है। देखो
तो इसमें ऑलरेडी उसने हमें क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन। ठीक, अब सेकंड चीज उसने हमें यहाँ पर दे रखा है, हाँ यहाँ पे पहले हम लिख दें कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी जो हमसे पूछ रहा है उसी ट्राइंगल का नाम लेंगे, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ए बी इज ये हो गया। अब उस दूसरा उसने क्या दे रखा है, मैं ये पूरा जो बी सी है ना, पूरा का पूरा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दे रखा है, तो हम इसको लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो तुम, अगर हमारा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है और ए बी इज इक्वल टू क्यू है, तो हम एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ए बी एम और ए पी क्यू आर को तो हम ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं पहले वाले उसमें, तो फिर हम लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई सी पी सी टी, क्या होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो अब हमें तीन चीज़ मिल गई, अब ये देखना है हमें कि जो हमने एंगल लिया वो इंक्लूडेड है कि नहीं। तो देखो एक साइड तो मैंने ली यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है ना, फिर दूसरी साइड मैंने ली बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है, तो एंगल क्या हो गया इंक्लूडेड हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई कौन सा रूल यूज कर दिया, एस ए एस, एस ए एस क्यों, देखो साइड एंगल साइड है ना, बाई एस ए एस, तो हो गया हमारा आंसर, यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर।